نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم انا اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا सामियात अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और आज हम इंशाल्लाह अपना नया लेक्चर शुरू करने से पहले क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जिसको भी आंसर आता होगा वो अपने आज का हमारा टॉपिक है हुरूफ़े लीन। हुरूफ लीन दो होते हैं। हुरूफ लीन कितने होते हैं? हुरूफ लीन दो होते हैं, वाओ और या। वाओ लीन और या लीन, ठीक है, वाओ लीन और या लीन। स्क्रीन शो कर दीजिए स्क्रीन। तो हुरूफ लीन जो होते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हुरूफ मद्दा का चैप्टर पूरा, और आज हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ लीन का बयान। हुरूफ लीन मैंने आपको जैसे बताया ये दो होते हैं, वाउ लीन और या लीन। ये क्या होते हैं? इनको हमें बहुत ही नरमी के साथ और मारूफ आवाज में पढ़ना होता है, ठीक है। मजहूल आवाज में हम नहीं पढ़ते हैं बल्कि मारूफ आवाज में हमें इसको पढ़ना होता है, और नरमी के साथ बिना झटके के और बिना खींचे पढ़ना होता है, ठीक है। ना हम इसमें झटका देंगे और ना हम इसको खींचेंगे और ना मजहूल आवाज में पढ़ेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वाउलीन। वाउलीन क्या है? जैसे कि आप सबको मालूम है कि वाओ वाओ क्या होता है, वाओ पे जब साकिन लग जाए, ठीक है, या हम उसको क्या कहते हैं, जज्म भी कहते हैं। तो वाओ जब साकिन हो या वाओ पे जब जज्म लग जाए और उससे पहले जबर हो, ठीक है, वाओ से पहले, वाओ साकिन से पहले जब जबर हो तो हम उसको किस तरह से पढ़ते हैं, वो कहलाता है वाउलीन। वाओ साकिन से पहले जब जबर हो तो वो क्या कहलाता है? वाउलीन। इसको हम बिना झटके के पढ़ते हैं, बिना खींच कर पढ़ते हैं और नरमी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे इसको, तो मैं एक दफा इसको पढ़ूंगी और बाकी आप इसको रिपीट करती जाएंगी, ठीक। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज अपने माइक और अपने अपनी वीडियोस जो है वो ऑफ कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना है, तब आपका तलफ्फुज़ जो है वो ठीक होता रहेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा वाव जबर औ, हमजा वाव जबर औ। जब आप इसको पढ़ेंगी तो वाव पे क्या करना है, आपको होंठों को गोल करना है, ठीक है। जब आप ये वाली एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगी तब नीचे वाली मश्क जो है वो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इसको मेरे साथ साथ रिपीट करती रहिए। और आपको मालूम है कि जब अलिफ होता है, अलिफ के साथ जब कोई भी हरकत लग जाती है, यानी जबर, जेर, पेश, साकिन, तो उसको फिर हम अलिफ ना पढ़ के उसको हम क्या करते हैं, हमजा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे, इसको हिज्जो भी देख लीजिए आप, हिज्जो करने का तरीका क्या है। हमजा वाव जबर औ। होंठों को आप ध्यान रखिए कि आपके होंठ पूरे गोल होने चाहिए, इसको ऐसे मत पढ़िए औ औ, ऐसे नहीं, बल्कि होंठ आपके पूरे गोल होने चाहिए और मिलने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। हमजा, होंठों के जो किनारे हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। हमजा वाव जबर औ औ औ। बा वाव जबर बऊ बऊ बऊ। ता वाव जबर तऊ तऊ तऊ। इसको हमें खींचना नहीं है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ता वाव जबर तऊ, ठीक है, इसको खींचना नहीं है। तो ये हुरूफ लीन है। इसके अलावा हम हुरूफ मद्दा में क्या कर रहे थे? हुरूफ मद्दा में हम अब तक खींच रहे थे, ठीक है, दो हरकात की बराबर हम उसको खींच रहे थे। लेकिन हुरूफ लीन में आपको याद रखना है कि खींचना बिल्कुल नहीं है और नरमी के साथ बिना झटके के पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। ता वाउ जबर तऊ,
सा वाउ जबर सऊ, सा वाउ जबर सऊ, जीम वाउ जबर जऊ, जीम वाउ जबर जऊ, हा वाउ जबर हऊ, हा वाउ जबर हऊ, हऊ, खा वाउ जबर खऊ, खऊ, खा वाउ जबर खऊ, दाल वाउ जबर दऊ, दाल वाउ जबर दऊ, दऊ, दाल वाउ जबर दऊ, दऊ। पढ़ते वक्त आपको मखारिज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, मखारिज बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको सीखा है और आपको याद रखना है। रा वाउ जबर रऊ, रऊ, रा पे आपको मालूम है कि जब जबर और पेश होता है तो हम उसको पुर यानी मोटा पढ़ते हैं, तो रा वाउ जबर रऊ, 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 जा वाउ जबर जऊ, जऊ, सीटी की आवाज निकलती है जा और सीन में, और सनाया सुफला इसका मखरज है, जुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा। जा वाउ जबर जऊ, जऊ, सीन वाउ जबर सऊ, 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 शीन वाउ जबर शऊ, शऊ। इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना है शऊ, नहीं, जब आप पढ़ेंगी तो होंठों के किनारे जो हैं वो बिल्कुल मिल जाएंगे और जो बीच का होंठों का हिस्सा है बीच वाला वो थोड़ा सा बाहर को निकलेगा इस तरीके से। शीन वाउ जबर शऊ, 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 स्वाद वाउ जबर सऊ, 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 बौद वाउ जबर दऊ, बौद वाउ जबर दऊ, दऊ, पौ वाउ जबर पऊ, 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 ता और पौ इन दोनों में फर्क रखिए, तऊ ता के साथ पढ़ेंगे तऊ और पौ के साथ पढ़ेंगे पऊ, पौ वाउ जबर पऊ, ता को दोनों, ता और पौ दोनों का मखरज एक ही है लेकिन फर्क इसमें ये है कि ता जो होता है वो बारीक पढ़ी जाती है, ता और पौ जो है वो मोटा पढ़ा जाता है। तो मोटा और बारीक का सिस्टम क्या है, मोटा क्या होता है और बारीक क्या होता है, देखिए मोटा या पुर करने का मकसद ये है हमारा, जी मोटा और पुर करने का मकसद हमारा ये होता है कि जुबान जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है और आवाज जो है वो भारी हो जाती है। पौ वाउ जबर पऊ, 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 वा वाउ जबर वऊ, थर्ड लाइन में देखिए, वा वाउ जबर वऊ, वऊ, आई वाउ जबर फऊ, 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 कॉफ वाउ जबर कऊ, कॉफ वाउ जबर कऊ, कऊ, काफ वाउ जबर कऊ, कॉफ और काफ इन दोनों में आपको फर्क रखना है, कॉफ वाउ जबर कऊ, काफ वाउ जबर कऊ, 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 लाम वाउ जबर लऊ, 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 मीम वाउ जबर मऊ, 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 नून वाउ जबर नऊ, 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 वाउ वाउ जबर वऊ, 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 हा वाउ जबर हऊ, हऊ। इसी तरीके से हा और हा इन दोनों में भी फर्क रखना है आपको, हा वाउ जबर हऊ, 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 हमजा वाउ जबर औ, 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 या वाउ जबर यऊ, यऊ, यऊ। तो देखिए नीचे आ जाइए, नीचे है हमारी मश्क लफ्जों के साथ यानी अल्फाज के साथ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, देख लीजिए फर्स्ट लाइन में, हमजा वाउ जबर औ, फाजिर फी, औ फी, औ फी, औ फी। हमजा को झटके के साथ पढ़ेंगे, जेर को बारीक पढ़ना है और वाउ लीन आ गया, आपने पहचाना कैसे वाउ लीन है,
आपने इस तरीके से पहचाना कि वाव पे क्या है, जज्म लगा हुआ है, और जज्म जब वाव पे जज्म लगा हो और उससे पहले जबर हो तो वो क्या होता है, वाउलीन। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान करेंगी कि जब वाव पे जज्म हो और उससे पहले जबर हो तो वो क्या कहलाता है, वाउलीन। वाउलीन को हम नरमी के साथ बिना झटके के और मारूफ आवाज में पढ़ते हैं। ठीक है, बारीक करके पढ़ेंगे, किस तरह से, ऐसे, हमजा वाव जबर औ औ औ। अगर हम इसको ऐसे पढ़ दें औ औ, यानी हमारे होंठ पूरे ना मिले पढ़ते वक्त, तो ये गलत हो जाएगा। वाव पे आपको वैसे भी मालूम है कि वाव पे हम होठों को गोल करते हैं, और यहाँ पर हुरूफ़े लीन में से वाव लीन है, तो वाव लीन को बारीक करके पढ़ेंगे, हमजा वाव जबर औ, और खींचना नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे औफी, नहीं, जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, औफी औफी औफी, मेरे साथ साथ रिपीट करती जाइए, औफी 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 औफी। सेकंड देख लीजिए, हा वाव जबर हाउ, हा वाव जबर हाउ, हाउ हाउ, लाम जबर ला, हौला हौला हौला, ऐसे मत कर दीजिएगा, हौला। लाम को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि लाम पे क्या है, जबर। और आपको मालूम है कि जब हमने हरकात वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने सीखा था कि हरकात को हम बिल्कुल भी खींचते नहीं है, जल्दी से पढ़ते हैं, तो ना ना हमें इसमें कुछ किसी भी हर्फ को नहीं खींचना है, ना हा को, ना वाव को, और ना लाम को, जल्दी से पढ़ेंगे। किस तरह, देख लीजिए, हौला हौला हौला, औफी औफी, जेर को बारीक करके पढ़ना है, औफे, ऐसे नहीं पढ़ना है, ये मजहूल हो जाएगा। मारूफ तरीके से पढ़ेंगे हम, औफी औफी औफी, हौला हौला हौला। थर्ड नंबर पर देखिए, स्वाद वाव जबर सौ, स्वाद को मोटा, वाव को बारीक, और मीम को भी बारीक, स्वाद वाव जबर सौ, मीम पेश मु, सौ मु सौ मु, मीम को भी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि मीम वाव पेश मु नहीं है, बल्कि क्या है, मीम पेश मु, जल्दी से पढ़ेंगे, सौ मु सौ मु सौ मु, औफी हौला सौ मु, औफी हौला सौ मु सौ मु। पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिए कि वाव पे होंठ गोल होने चाहिए, साइड जो है आपकी होंठों की वो बिल्कुल मिल जानी चाहिए, और जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर को आएगा, सौ मु सौ मु सौ मु। फोर्थ नंबर पर देखिए, सीन वाव जबर सऊ, सीन वाव जबर सऊ, फा जबर फा, सऊफा सऊफा सऊफा। अगर हम इसको इस तरह से खींच दें सऊफा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें जल्दी से पढ़ना होता है, जो हुरूफ लीन है हमारे, उनको हम बिना खींचे बिना झटके के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, सऊफा सऊफा सऊफा, औफी हौला सौमु सऊफा। सेकेंड लाइन में देखिए, फर्स्ट नंबर पे है, मीम वाव जबर मऊ, मीम वाव जबर मऊ, तापेश तू मऊ तू मऊ तू मऊ तू मऊ तू। आगे देखिए, फा वाव जबर फऊ, फऊ फऊ, जापेश जू फऊजू फऊजू फऊजू। अगर हम इसे ऐसे पढ़ दें फऊजू, तब भी ये गलत हो जाएगा। अगर हम जा को खींच दें फऊजू, तब भी ये गलत हो जाएगा। हमें किसी को भी खींचना नहीं है और जल्दी से पढ़ना है, फऊजू फऊजू फऊजू, मऊतू फऊजू। थर्ड नंबर पर देखिए, काफ को वाव से मिलाएंगे, काफ वाव जबर कऊ, काफ वाव जबर कऊ, सा जबर सा, कऊ सा कऊ सा, रॉ जबर रॉ, रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पर जबर आ गया है, रॉ जबर रॉ, कौसरा कौसरा। देखिए, मैंने तीनों हरूफ को जल्दी से पढ़ा और नरमी के साथ और बारीक पढ़ा, लेकिन रॉ को हमने मोटा पढ़ा। ठीक है, कौसरा
ठीक है, कौसर। अगर हम इसे ऐसे पढ़ दें कौसरा सरा तो ये गलत हो जाएगा। इसको हमें कैसे पढ़ना है, रॉ को मोटा करके कौसर 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 सर। मऊतु फौजु कौसर। फोर्थ नंबर पर देखिए, बा जबर ब गैन वाउ जबर गौ गैन वाउ जबर गौ बगौ 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 गौ। ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर गैन गैन की आवाज निकालें और गाफ की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बगौ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाज कैसे आएगी हमारी, बगौ बगौ। ता जबर ता बगौता बगौता, खींचना नहीं है किसी को भी, बगौता बगौता। मऊतु फौजु मऊतु फौजु कौसरा कौसरा बगौता बगौता। कौसरा को एक बार फिर से देख लीजिए, काफ वाउ जबर कौ सा जबर सा कौ सा कौ सा सा। रो जबर रो कौसरो सरो कौसरो कौसरो बगौता बगौता बगौता। लास्ट लाइन देखिए, फर्स्ट नंबर पर शीन जबर शा शीन जबर शा। रो वाउ जबर रो शरो शरो। हापेश हु शरो हु शरो हु शरो हु शरो हु शरो हु शरो हु। रो को मोटा पढ़ेंगे, बाकी सबको बारीक पढ़ेंगे, शरो हु। रो वाउ जबर रो शरो शरो हु शरो हु। आगे देखिए, दाल जबर दा आइन वाउ जबर औ दऊ दऊ दऊ। आइन को निकालने की प्रैक्टिस करिए, आइन वाउ जबर औ आइन वाउ जबर औ दऊ दऊ दऊ। तापेश तू दऊ तू दऊ तू दऊ तू। शरौहु शरौहु دعوت شروه دعوت شروه دعوت با زبر با. نیکسٹ دیکھیے، با زبر با نون واو زبر نو بنو بنو بنو. ہا الف زبر ہا ہا الف زبر ہا بنو ہا. اب آپ دیکھیے ہا میں کیا جڑ گیا ہے، ہا کے بعد ہے الف، और हमने जब ये हरूफ मद्दा वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब अलिफ हो और अलिफ से पहले जबर हो तो वो क्या कहलाता है, अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को दो हरकात के बराबर खींचते हैं, तो यहाँ हम हा को खींचेंगे, ठीक है। हा को खींचना है हमें, बनऊ हा बनऊ हा बनऊ हा। शरौहु दऊतु बनऊ हा बनऊ हा। वाव पे ध्यान रखिए, होंठों को गोल करना है, बनऊ हा बनऊ हा। लास्ट देख लीजिए, बा जबर बा लाम वाव जबर लऊ बलऊ बलऊ बलऊ। नून अलिफ जबर ना। यहाँ पर भी देख लीजिए, अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा से पहले नून पर क्या आ गया, जबर। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर अलिफ मद्दा है और इसको हमें हा की तरह खींचना है, ठीक है। जैसे हमने बनाऊ हा में हा को खींचा है, वैसे ही बलाऊ ना में नून अलिफ जबर ना को खींचेंगे। और कितना खींचेंगे, दो हरकात के बराबर, या हम कह सकते हैं एक अलिफ की बराबर, ठीक है। बलाऊ ना बलाऊ ना बलाऊ ना। एक बार शुरू से देख लीजिए, औफी। एक बार स्टार्टिंग से जी मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको, आप लोग तवज्जो से सुनिए और घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए खूब।
أوفي حول حول صوم صوم سوف سوف موت موت فوز فوز كوثر 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 بغوت بغوت شروه شروه دعوت دعوت بنوها 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 بلونا بلونا بلونا. तो यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन पूरा हो चुका है. हमने आज पढ़ा है वाउलीन. एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं कि वाउलीन वाउलीन क्या है. जब वाओ साकिन हो और उससे पहले जबर हो तो वो क्या कहलाता है, वाउलीन. वाउलीन को हम बिना झटके के, बिना खींचे, बारीक आवाज में या मारूफ आवाज में हम पढ़ते हैं. ठीक है, बिना खींचे पढ़ते हैं हम इसको. तो ये हमारा आज का सबक था. आप लोग इसको खूब प्रैक्टिस करिए और अगर कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली मालूम कर सकते हैं. सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आप लोगों में से अगर कोई सुनाना चाहे